देहरादून के हर्रावाला गांव में एमसीएफ नामक संस्था के द्वारा और ग्राम प्रधान के सहयोग से बच्चों को सूचना केंद्र के रूप में एक कमरा दिया गया है, जिसे पाकर बच्चे बहुत खुश हैं। कमरा नहीं था तो बच्चों को बाहर धूप में, फिर गर्मी के सीजन में धूप में बच्चे बैठे बातें करते थे, अपनी मीटिंग करते थे। और कभी बारिश होने की वजह से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, पर अब जब कमरा हो गया है तो बच्चे के पेरेंट्स वगैरह भी उन्हें भेज देते हैं कि हम आराम से बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हैं, इसलिए वो कमरा काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। ये होरावाला में और पूरे प्रदेश के 13 जिलों में हमने बच्चों के जो समूह हैं बाल पंचायतें, उन बाल पंचायतों के लिए इस संसाधन केंद्र के लिए दिया, सूचना केंद्र के लिए एक संसाधन जुटाए थे, ताकि बच्चे जो अपने वहाँ पे एक जगह ऐसी जगह पे बैठ सकें, एक समय पे बैठ सकें और अपनी बातें चर्चा कर सकें, अपने मुद्दे रख सकें, हम जो भी वो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें, और अपने जो अभिव्यक्ति का उनको अधिकार है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बाल अधिकारों में कहा गया है कि उन बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। शगुन, आप बैठक क्या करते हो अपने बाल पंचायत की? हम पंचायती घर में अपनी बैठक करते हैं, हमें वहाँ पे बातें सिखाई जाती है अच्छी अच्छी। और बैठने के लिए कैसा लगता है? बैठने की जगह मिली हुई है वहाँ पे। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से सूचनाएं एकत्र करते हैं, दुनिया को देते हैं, अपने गांव वालों को देते हैं, अपने अखबार निकालते हैं, ये तमाम चीजें गतिविधि कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह देहरादून के हर्रावाला गांव में संस्था के सहयोग और ग्राम प्रधान के द्वारा बच्चों को सूचना केंद्र के रूप में एक कमरा दिया गया है, उसी तरह उत्तराखंड के अन्य गांवों में भी बच्चों को अपने मनपसंद के काम के लिए उन्हें जगह दी जाए, ताकि वे अपने मनपसंद के काम कर सके, जो कि उनका अधिकार भी है। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।